अभी तक साइकिल चलाने, साइकिल चलाने चल बाहर धूप में। नहीं मम्मा, स्पीडोमीटर मंगवा दो। नहीं, अब स्कूल जाना है आपको स्पीडोमीटर में। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, और 12:15 का टाइम हो गया, सारी स्टोर अभी तक हमने कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं किया है सुबह से। नाइस नाइस या वेरी बैड? वेरी नाइस। कोई तैयारी नहीं की है कल की। कल 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 फर्स्ट डे है स्कूल का, हम क्या पहनेंगे और कैसे कैसे तैयारी करें। आप जा रहे हो फिर कल स्कूल? नहीं, 1 मार्च से पहले। और मैंने डाले हैं कपड़े वॉश करने को इस वाले वॉशरूम में। ये वाली मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें वो जो फुली है वो चल नहीं रही है, उसको पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ पे एक लॉट डाला है मैंने, तब तक धो लेती हूँ अपने बर्तन जो बहुत ढेर लगा हुआ है। लंच की तैयारी भी करते हैं। अरे थोड़ा पानी लेके जाती हूँ मैं किचन में, गर्म पानी। वहाँ पे छोटा गीजर है, जल्दी पानी ख़त्म हो जाता है, बर्तन बहुत ज़्यादा धोने के लिए। अकेले तो सब मुश्किल हो जाता है। अंदर आ रही है, आज फिर से पक रही है यहाँ पे गैस। फिर से पक रही है यहाँ पे खीर, क्योंकि सारिष्ट का है फेवरेट खाना। तो एक बार खत्म, एक बार हो। ये देखो ये देखो ये देखो, इतने सारे बर्तन क्यों हुए? क्यों हुए? क्योंकि शाम को चली एक मीटिंग हमारी अपने एसोसिएशन की, वो बहुत ज़्यादा 2-2.5 घंटे चली, और फिर मेरी हिम्मत नहीं रही वॉश करने की। तो ये इकट्ठा इकट्ठा 2 टाइम का हो गया ब्रेकफास्ट का, डिनर के। वैसे कभी मैं छोड़ती हूँ ना, छोड़ने चाहिए। और ये खीर भी बन गई है, क्रीमी खीर। मेरे बच्चे बोलते हैं क्रीमी खीर, जो खूब सारा दूध काट काट के बनाते हैं ना, बाकी इनको कुछ भी इसमें पसंद नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं करने देते हैं। और साथ में मैंने भिगो दी है रात के लिए राजमा, कल लंच के लिए भी ये हो जाएगी। मुझे तो स्कूल जाना है। आप सोच रहे हो हमारे घर में राजमा इतनी फ्रिक्वेंटली क्यों बनते, क्योंकि बच्चों को पसंद ही है, या फिर 1-2 दाल और खाते हैं। बाकी बनाती तो मैं सभी हूँ, लेकिन अब जो खुशी से खाते हैं ये राजमा ही है, इसलिए मैंने अभी भिगो दी है। रात को बताऊँगी शाम को। बाकी अब लंच करते हैं, लंच रेडी है। तो आज बज रहे हैं 3, अभी तक भी मैं फ्री नहीं हुई हूँ। साफ करके रख दिए, थोड़ा डीप क्लीन भी किया वीकली अब तो, और इसके ये यहाँ धो के पूरा बर्तन का सिंक मैं धो चुकी हूँ। मशीन कुछ भी कहो, ये सबसे अच्छी सेमी ऑटोमेटिक है। ये एलजी की मशीन थी, बहुत पहले जब हमारी शादी हुई थी तब 2003 के लिए हुई है। और ये भी बचे हुए हैं कपड़े काफ़ी सारे। मुझे करना था बालों में कलर, जिसके लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आज सीखती हूँ। और इस रूम में हमारे बहुत अच्छी धूप आती है, थोड़ी देर में पूरा बेड पे धूप आएगी। नीचे है ये, और इसके साथ वाले वॉशरूम में ही हमारी वो वॉशिंग मशीन है सेमी। तो मैं वहाँ कपड़े भी धोती हूँ, साथ में रेस्ट भी करती हूँ, क्योंकि अब मेरी कमर टूट गई। अभी मैं किचन क्लीन करके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ कपड़ों से। आज धूप भी नहीं सेक पाई, 4:15 का टाइम हो रहा है, अभी अभी धूप भी निकल गई। मेरे कपड़े भी हैं अभी ख़त्म हुए। संडे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, हस्बैंड के भी अपने भी, और अब मुझे टाइम नहीं लगना था इसके बाद। तो फिर मैंने मैक्सिमम आज कपड़े निकाल के रख दिए, और मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने हीटर भी लगाया है आगे, और रजाई में बैठ गई हूँ। अभी नहा के अभी फ्री हुई, आज लेटी और दाल चढ़ा दी है राजमा की, और कल के लिए अभी प्रेस करना बाकी है अपना। शुक्र है अभी सारिश नहीं जा रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं तो कुछ भी नहीं करा पाई, मैंने कोई थ्रेडिंग नहीं करवाई है अभी तक, कुछ नहीं करवाया। अब कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, अब करवाएंगे अब धीरे धीरे। वैसे भी मैं ज़्यादा करवाती भी कुछ नहीं हूँ, और कोई नहीं, एक थ्रेडिंग कराती हूँ, खुद ही कर लूँगी सुबह जल्दी जल्दी। वापस किचन में यहाँ पे सुबह के लिए लेके आए हैं, क्या लेके आए देखते हैं ज़रा। फूल गोभी, और अब चेक करते हैं अपनी दाल, दाल होगी या नहीं। सारिष्ट, अब तो आपके ऊपर ट्रिपल डबल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। हमारी युद्ध स्तर पे हो रही है अब तैयारियां फटाफट से, क्योंकि
सारी को भी टास्क अपना मिला है और आप सबको भी पता है क्या बैग क्यों फेंका बेटे इधर, आप लेके क्यों नहीं गए ऊपर? हैंड वॉश कर लिए अच्छे से? तो पानी तो लिया नहीं है, ये सारी इष्ट गूंधेगा आटा, और इस बीच में मैंने तेल चढ़ा दिया है। और अपनी दाल चेक करते हैं, फटाफट से खाना बनाते हैं और क्योंकि कल की तैयारी करते हैं। और आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं पानी वाला कुछ भी काम करती हूँ ना मुझे जुकाम हो जाता है। और मेरी कमर तो पहले ही, लोग बोलते हैं मेरी कमर टूट गई, मेरी तो पहले ही टूटी हुई कमर है। अरे इतना पेन हो रहा है कि, और वो भी मुझे गुस्सा आ रहा है कि इस दिन पे मैं बीमार हो रही हूँ जिस दिन पे मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश होना था। यानी कि ये कालू का खाना इधर रखा दिया नहीं उसको, यानी कि कल से हमारा स्कूल है ना, तो आज तो मुझे बहुत फ्रेश होना चाहिए था, आज मुझे रेस्ट मिलना चाहिए था। लेकिन आज ही मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई हूँ ना, मैं बता नहीं सकती, आज ही मैं इतनी ओवर एग्जॉस्टेड हुई, जबकि आज मुझे क्या होना था, सारिष्ट फ्रेश होना था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही, बहुत ज़्यादा काम रहा आज कंपैरेटिवली बाकी दिनों से, और धूप भी नहीं सेक पाई सबसे ज़्यादा। और मेरे गले में नाक में इतना पेन हो रहा है, और अब सोच रही हूँ कहीं मैं बीमारी ना हो जाओ, अभी मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी मुझे सोते हुए। और तरीका वही है, कोई नई रेसिपी नहीं है, जीरा डाल दिया है, मेथी डाल दिया है, प्याज डाल दिया है। और आज हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं बाहर के वो सभी आ गए होंगे, शायद हमारे मैम भी आ गए होंगे, अभी कॉल कर लेती हूँ, अगर आ गए होंगे तो पूछती हूँ उनको कोई दाल वगैरह, या यहीं बुला लेती हूँ उनको भी। वो सारिश ने कितना इतना अच्छा आटा गूंदा है ना, अब तो मुझे अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा, क्योंकि ये इतना अच्छा आटा गूंदता है, इतनी अच्छी चपातियाँ बनती है इससे। तो ये हमारा आटा भी लग गया है सुबह के लिए, और यहाँ पर सब्जी भी कट गई है, तो ये चीज़ें अब, ये तो मसाला नहीं, इधर तो हम रख देंगे साइड में, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो सुबह सुबह उठ के हम ये काम करेंगे, और अभी करते हैं अपने जीरा को, जीरा राइस को फ्राई। हमें घी डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है, और साथ में डाल देंगे मीठा राइस, ये बहुत ज़्यादा है हमारे लिए तीनों के लिए, तो इसलिए हमने बनाए नहीं है, अभी उसी को फ्राई कर रहे हैं। ये हमारे फ्राइड राइस हो गए हैं, बिल्कुल फ्राइड राइस, ये वो वाले नहीं है वेजिटेबल वाले, लेकिन लेफ्ट ओवर राइस थे जिसको हमने घी और ज़ीरा में फ्राई किया, और हमने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है। और आप यकीन माने, अगर आप कभी इसमें पुदीना ऐड करोगे ना, तो एक नया फ्लेवर आपके पास होगा। मैं बहुत किया करती थी ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट, बचपन से मुझे भी बड़ा शौक़ था खाना बनाने का, और अब ये शौक़ ट्रांसमिट हो चुके हैं हमारे बच्चों में। सानिध्य सारिष्ट दोनों को ये खाना बनाने का बहुत शौक। राजमा चावल, आज सारिष्ट को पता नहीं क्या हो गया, बोल रहा है कि मुझे छोटे से डोंगे में इस तरह से परोसो, आज मुझे ऐसे खाना है राजमा चावल और घी। और ये बच्चा कभी घी नहीं खाया करता था, और आज इसको घी पसंद आ गया, दादी का दिया हुआ गाँव से शुद्ध गाय का घी, अब ये सारिष्ट को परोसा जाएगा। और सारिश तो अभी बड़े मज़े कर रहा है, क्योंकि इसकी तो अभी छुट्टियाँ ही हैं, कोई स्कूल से कोई कंफर्मेशन नहीं आया कि कब तक जाना है। आया सारिश कुछ है? स्पून तो आपके पास है ना, वैसे लो, उठो 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 से बैठो, चलो गरम 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 स्पून तो यू आर ऑलरेडी हैविंग ना, कितने चाहिए आपको? आटे से लथपथ हो गया आटा गूंथते गूंथते, कोई बात नहीं, काम करते हो आप, मम्मा कितनी हेल्प करते हो, ये तो अच्छी बात है ना बेटा। खीर कैसी बनी थी? अच्छी, बहुत अच्छी, अभी खाऊंगा, सारा दिन तो खीर ही खाई है आज। चलो ठीक है, अब आप राजमा चावल का मजा लो। ये हमारा टारगेट होता है 2 लीटर्स का। ऐश गाढ़ भी मैंने निकाल के रख दिया है, अब इसका भी रेगुलर कंजप्शन होगा। आजकल मैं थोड़ा बदल के ले रही थी, लेकिन अब ये मेरे पास आ गया है, तो अब लगातार 5-6 डेज इसका ही कंजप्शन चलेगा। ये मेरा कप है जो मैं अपने पास रखती हूँ सराहने में, और कैटल भी ऊपर ही है, बाकी ये मैंने रखा है। और आज डिटॉक्स जो मेरा बनेगा वो देखती हूँ अभी किस चीज़ का बनेगा, कल तो मैंने बनाया था लेमन का,
और मैं अब शेयर नहीं करती हूँ ये कि मैं ये जूस पी रही हूँ, ये मैं सलाड खाया, ये मैंने कहा अब लोग नहीं तो सोचेंगे कि क्या ये यही दिखाती रहती है और इसके बाद कुछ भी नहीं है। वैसे मेरे पास होता भी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अब स्कूल जाऊँगी और मैं एक नई फिटनेस जर्नी पे जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो एक चैलेंज मैं वीकली चैलेंज दिया करूँगी और जो जो मेरे इस चैलेंज का हिस्सा बनेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि हम भी आपके साथ इस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं। बहुत ही आसान जर्नी होने वाली है फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, अच्छा कल क्यों नहीं परसों क्यों नहीं, क्योंकि दो दिन मेरा अब थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, शायद मैं कहीं जाऊं तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी वो सारी बातें। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, क्या करना है, प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब माई चैनल। और सब खुश रहें, हंसते रहें और सभी को ढेर सारी खुशियाँ मिले। गुड नाइट, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।